श्रीमती हरसिमरत कौर। शुक्रिया सर। सर, इस हाउस में खड़े होके मेरे जैसे जो ना पक्ष के साथ है और ना विपक्ष के साथ है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये 300 पार का नारा देके, 300 400 पार का नारा देके 330 से 240 में आ गए हैं। ईडीआई सीबीआई यूज करने के बाद भी तब भी अपना पीठ थपथपा रहे हैं, और ये 50 से जो 99 में चले गए ये अपना पीठ थपथपा रहे हैं। तो इन दोनों का ही समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। हाँ, हम तो जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। सो सर, मैं सर, मुझे ये इन राजनीति जो इस बारी हुई है शायद देश ने कभी देखी नहीं। जितनी माइग्रेशन हुई है यहाँ से वहाँ, दल बदल दो, हलका बदल दो, पार्टी बदल दो, कुछ पता ही नहीं लग रहा। कल यहाँ पे बैठा है तो आज वहाँ पे बैठा है। हमारे राज्य में सर जो रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी मेन, अब वो दोनों ही इकट्ठे हो गए। तो अब ऑपोजिशन का, ये राहुल जी कल कह रहे थे कि मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो कंफर्म कर दीजिए यहाँ पे कि आप आम आदमी के भी आप ऑपोजिशन के लीडर हैं, क्योंकि पंजाब में कुछ बोलते हैं, बाकी देश में कुछ और बोलते हैं। और सर, जहाँ तो इनकी बात है तो इनको, इनके बारे में तो क्या कहूँ सर। मैं ज्यादा अपना समय इन पे बर्बाद नहीं करना चाहूंगी सर। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि समय कम होता है, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपने राज्य के मुद्दों पे आना चाहूंगी। आज मैं आपसे, आपके राही आग्रह करती हूँ राष्ट्रपति जी को, कि सरकार को बोलिए कि पंजाब एक किसानी सूबा है। इस किसान दे उत्ते बहुत वड्डे वड्डे संकट ने आज किसाना ने, नौजवाना ने, माइनॉरिटीज तिन्ना ने इन्हों रिजेक्ट किया है, जिदे करके इन्हों के नंबर कटे ने, क्योंकि इन्होंने 800 किसान शहीद कराते पंजाब की ब्रूहा चे, ते उन्हों चकिया यूपी के इलेक्शन तो पहले आ कह के कि थोड़ा MSP लीगल गारंटी की जाऊगी, ते थोड़िया मंगा मनिया जान गया, लेकिन ना ते उन्हों की मंगा पूरी कीतिया। ते जद वो किसान 2024 एक बार फिर दिल्ली आके धरना लाना चाहते सी, थानू हैरानी होगी, उन्होंने दे पंजाब के बॉर्डर च रोक के किस तरह हरियाणा की सरकार ते पुलिस ने जिहो जी तशद्दत की, उन्होंने उत्ते अथरू गैस गोलियां दी बौछार करके किन्ने किसानों घायल करता, ट्रैक्टर उन्होंने पन ते, नौजवान मुंडा शुभदीप मेरे हल्के का ओनू शहीद कर दिता, ते साडा मुख्यमंत्री मुँह चे ताले ला के बैठिया रहा। सो मैं थानू बेनती कर दिया कि किसानी इशूज नू इन्हां नू सॉर्ट आउट किया जाए, सरकार उन्हां नू वखवादी आतंकवादी तशद्दत करना बंद करे, ते जेड़े वादे किते ने उन्हां वादियां नू पूरा करे। मैं एक होर भी बेनती करांगी कि पंजाब दा अटारी वाघा बॉर्डर ते हुसैनी वाला बॉर्डर खोलिया जाए, ताकि साडे बॉर्डर तो ट्रेड हो सके, ताकि साड़ी किसानी जेड़ी संकट च, इंडस्ट्री जेड़ी संकट च, नौजवान जेड़ा बेरोजगार है, इस बॉर्डर जे थोड़े गुजरात के बॉर्डर च सी रूट तो जे हो सकता है ट्रेड, तो फिर पंजाब दे लैंड राइट तो क्यों नहीं हो सकता। मेरी एक डिमांड है कि ए इंडस्ट्रियल रूट, ए ट्रेड रूट बॉर्डर तक खोलिया जा, ताकि साडा उतो ट्रेड हो सके। सर, दूजी गल, जिथे किसानी संकट च पंजाब च, नौजवान बहुत वड्डे संकट च, क्योंकि पंजाब च अज ड्रग एपीडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक कर लई है पंजाब का, तो इन्ना नशा पंजाब च वध गया है। इन्होंने कांग्रेस याने धार्मिक ग्रंथ की सौ खाधी सी कि 4 हफ्ते से नशे खत्म कर देंगे, आम आदमी पार्टी ने क्या 10 दिन च, लेकिन खत्म तो की किया कि रोज नौजवान मर रहे ने, हुण तो पुलिस के मुलाजम भी मरन लग गए ने, इन्ना ज्यादा ड्रग्स है, तो इस ड्रग्स करके अद्धा पंजाब BSF के हवाले साडे मुख्यमंत्री ने करता, लेकिन हर रोज हर महीने कई सौ ड्रोन हर रात नशे ते गोलियां लेके, आर्म्स ते एम्यूनेशन लेके, नशे लेके बॉर्डर तो पार कर देने, ते पंजाब च तबाही फैला रहे ने। इस सरकार नू भी पूछ दिया कि इहनू रोकन वास्ते तुसी की कदम चक रहे हो, उहनां दे ऑफिशियल्स आप कहिंदे ने एक ड्रोन फड़िया जांदा ते 5 अपना कारगो छड के जांदे ने। सो पंजाब च नशे फैलाई जा रहे ने, कोई रोक टोक नहीं है, गैंगस्टरा दा राज, नशिया दा राज, ते लोकी बेहाल है, जिदे करके साडा नौजवान पंजाब छड़ छड़ के विदेशा वल भज रहे हैं। मैं अज तुहाडे राही सरकार नू आ भी बेनती कर दिया, जिवें बादल साहब वाजपाई जी तो पंजाब वास्ते बठिंडा रिफाइनरी लैके आई सी, कोई इंडस्ट्रियल पैकेज पंजाब नू दिता जाए, खास तौर पर बॉर्डर के इलाके च ते इंडस्ट्री नू, क्योंकि साडे नाल दे सूबियां विच हिमाचल होए, जम्मू कश्मीर होए, उन्होंने टैक्स इंसेंटिव मिलते जिदे करके साड़ी इंडस्ट्री भज रही है। सो पंजाब नू जरूर ए सरकार दे, जे बॉर्डर स्टेट पीसफुल होगा तो ही थोड़ा देश पीसफुल हो सकता है। तीजी गल, मैं बेनती करती है सरकार नू कि माइनॉरिटीज
ते रिलिजन साडे रिलिजियस अफेयर जे तुसी अपनी दखल अंदाजी बंद करो। जब देखो कदे आ कहंदे ने कि असी हमें राहुल गांधी जी लिख के दे रहे सी दरबार साहब गया, कदे ओ कहंदे ने कि असी साढ़े 500 साल मनाया। जब तुसी पीठ थपथपानी है तो बड़े सिखां दी गल करदे हो, लेकिन अज सिखां दे नाल हो की रहा है? जे इन्हां ने साडे टैंका तोपा दे नाल धार्मिक स्थानां नूं ढेरी कीता, इन्हां ने सिखां दे कतलेआम कीते, ते अज तुसी की कर रहे हो? साडे धार्मिक स्थानां विच उत्ते तुसी कब्जे कर रहे हो, साडे हरियाणा कमेटी नूं तोड़ के कब्जा कर लिया, दिल्ली कमेटी दे उत्ते कब्जा कर लिया, नंदेड़ साहब दे उत्ते बोर्ड च तुसी आपदे सरकारी बंदे बिठाते, ते साढ़े 500 साल की गल कर दो। 2019 च साढ़े 500 साल गुरु नानक साहब जी के अवतार दिहाड़े च तुसी क्या सी? साढ़े बंदी सिख रिहा करोगे, 4 साल हो गए अज तक तुसी क्यों रिहा नहीं किया, यू टर्न क्यों मारिया? पहले नोटिफिकेशन कढ़ी, फिर कहता अदालत च कि दे आर अ थ्रेट टू सोसाइटी, ते हुण नवे रूल्स ते कहंदे हो पहले माफी मंगन। थानू कोई स्टैंड हैगा कि नहीं हैगा? ते एक कानून सिर्फ सिखा वास्ते, कदे साडी धीआं जां जुडिशियल एग्जाम देण वास्ते राजस्थान जांदी है ते थोड़े पिट्ठू उन्हां नूं एग्जाम नहीं देण देंदे क्योंकि ओ सेजदारी है, ओ क्योंकि ओ अमृतधारी हैगे, कहंदे ककार हटाओ साडे धर्म दे उत्ते हमला। साडा तां जी एक पंजाब दा मैंबर ऑफ पार्लियामेंट खडूर साहब तो जिन्हों लोगों ने जिताता, तुसी तो उन्हों भी शब्द लैण नहीं दे रहे, ते सिखां दे नाल धक्का नहीं है, ते क्या है? मैं बेनती करदी हां लोगों दे मैंडेट नूं सत्कारना हर सरकार दा फर्ज हुंदा है, जिहदे करके अज हालात इहो जे हो गए ने कि अज पंजाब च जिहड़े रेडिकल फोर्सेस ने ओह हावी हो रहे ने, ते मॉडरेट फोर्सेस कमजोर हो रहे हैं, जिहड़ा तुहाडे वास्ते एक बहुत वड्डा चिंता दा विषय होना चाहीदा है। सा साडे पानी अज सारी केंद्र दी सरकारां भावे कांग्रेस होए भावे बीजेपी होए भावे आप आदमी होए, तिन्नों सरकारां अज पंजाब दा पानी खोना चाहुंदियां ने। पंजाब दा पानी पंजाब दी जिंद जान, पहले उन्हां ने साडा पानी दूजे सूबियां नूं देता, हुण इह सारे रल मिल के एस वायर दी नहर कढ के साडा पानी साडे तों खोना चाहुंदे, ते पंजाब नूं कंटिन्यू चाहुंदे ने। श्रोमणी अकाली दल कदे भी, श्रोमणी अकाली दल हमेशा इह बेइंसाफियां दे खिलाफ लड़दा रहा है, भावें कांग्रेस होए भावें भाजपा दी बेइंसाफी होए भावें आम आदमी दी होए, लड़दे रहे हां लड़दे रहांगे, एक बूंद पंजाब दा पानी पंजाब तो बाहर नहीं ले जान देवांगे। अखीर च मैं थानू आ भी बेनती कर दियां कि साडी राजधानी चंडीगढ़ जिहड़ा इन्हां ने सानू 6 दहाकियां तो नहीं दित्ती, अज तुसी साडा क्लेम डाइल्यूट करके कमजोर करी जा रहे हो। थानू भी मैं बेनती कर दिया, साडी राजधानी है, इहनू असीं छड्डांगे कदे नहीं, साडी राजधानी सानू वापस दिओ, साडा पानी दे उत्ते ढाका बंद करो, साडे धार्मिक स्थानां दा कब्जा तुसीं छड्डो, ते साडे किसानां दे नाल इंसाफ करो। जे पंजाब नूं तुसीं मलम लाओगे तां इहो जिहा सूबा इहो जिहे लोकी ने ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਕਿਰਪਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਸਾ ਸਭੀ ਅਖੀਰ ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਰੈਸਟ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। 40,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ 2% ਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਕਡੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, UAPA ਲਗਾ ਕੇ, NSA ਲਗਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇ, ਸਮਾਪਤ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਸਾਹਿਬ।